बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिकली हाइपरथायरॉयडिज्म, और काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिटेल से डिस्कस की थी, स्पेशली विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर इज 199, और इन्वेस्टिगेशंस हमने देखनी थी कि हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में कौन कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशन हैं जो हमें हेल्प करती हैं। सबसे पहले तो कल जैसे समान था जो हम केस स्टडी डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर जैसे हमने देखा था कि हाइपर प्राइमरी हाइपर थायरॉयडिज्म था या थायरोटॉक्सिकोसिस था। हमने देखा था कि उसके अंदर T4 और T3 लेवल्स उसके एलिवेटेड थे, और जो TSH कंसंट्रेशन थी वो उसकी सप्रेस थी। तो एग्जैक्टली यही होता है प्राइमरी हाइपर थायरॉयडिज्म के केस में, यानी हमारा जो TSH लेवल्स हैं वो सप्रेस्ड होते हैं और हमारा T4 लेवल्स और T3 लेवल्स एलिवेटेड हो। ऑन द अदर हैंड, जब हम बात करते हैं सेकेंडरी हाइपर थायरॉयडिज्म की, यानी सेकेंडरी, जब भी हम किसी डिजीज के साथ सेकेंडरी ऐड करते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो डिजीज किसी और कंडीशन की वजह से अराइज हो रही है, ठीक है। तो जब हम सेकेंडरी हाइपर थायरॉयडिज्म की बात करते हैं, जैसे कि हाइपर थायरॉयडिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम TSH सेक्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, तो उसके अंदर फिर ये होता है कि हमारा जो T4 T3 और TSH, ये तीनों एलिवेटेड होते हैं, ये तीनों इंक्रीज होते हैं। इन्हें डिफरेंस क्या है, जब हम प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करते हैं तो वहां पे T4 और T3 एलिवेटेड होते हैं, TSH सप्रेस्ड होता है। जब हम सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करते हैं तो इस केस के अंदर T4 T3 और TSH तीनों ही जो बायोमार्कर्स हैं वो एलिवेटेड। जब हम प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करते हैं तो वो सप्रेस्ड सीरम TSH से वो कंफर्म हो जाता है, ठीक है, और उसके साथ साथ जाहिर है जैसे अभी हमने डिस्कस किया T4 और T3 एलिवेटेड, ठीक है। हाँ, अगर हमारे पास ये होता है कि सीरम TSH जो है वो हमारा सप्रेस्ड है लेकिन T4 और T3 हमारे नॉर्मल है, तो उसको फिर हम कहते हैं सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। यानी मैंने कहा कि अगर हमारे पास TSH जो है वो लेवल सप्रेस्ड है और T4 और T3 हमारे नॉर्मल लेवल्स हैं, तो फिर उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। अच्छा, एक ग्रे बॉक्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि जी इफ द रिजल्ट्स ऑफ थायरॉइड फंक्शन टेस्ट शो सप्रेस्ड सीरम TSH बट नॉर्मल सीरम फ्री T4 सीरम फ्री T3 मस्ट बी मेजर टू एक्सक्लूड T3 toxicosis. T3 toxicosis is a type of thyrotoxicosis in which only free T3 is increased. The condition is toxic in multinodular goiter and toxic nodule, and it can also occur in early Graves disease. एक और पॉसिबल सिचुएशन ये हो सकती है कि हमने थायरॉयड फंक्शन टेस्ट करवाए, अब हमारा जो TSH है वो सप्रेस्ड है, T4 हमारा नॉर्मल है, ठीक है, T3 भी हमने चेक करना है कि T3 नॉर्मल है या इंक्रीज्ड है। अगर हमारा T3 जो है वो इंक्रीज्ड है तो इसका मतलब है कि मोस्ट प्रोबेबली हमें एक ऐसी कंडीशन है थायरोटॉक्सिकोसिस की जिसमें सिर्फ और सिर्फ T3 इंक्रीज हो, ठीक है, और वो कंडीशन जनरली होती है मल्टी नोड्यूलर कॉइटर के केस में या टॉक्सिक नोड्यूल के केस में या फिर ग्रेव्स डिजीज जब नई नई होती है अर्ली फेस के अंदर, वहां पे भी ये कंडीशन कि हमारा T3 बढ़ा हुआ होता है, T4 हमारा नॉर्मल होता है और TSH हमारा सप्रेस्ड होता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं डिपेंडिंग ऑन कि किस किस्म का हाइपरथायरॉयडिज्म हमें हो रहा है, प्राइमरी हो रहा है, सेकेंडरी हो रहा है, मल्टी नोड्यूलर है, टॉक्सिक नोड्यूल है, ग्रेव्स डिजीज है, तो क्या अर्ली फेज है। तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द डिजीज या डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म हमारे जो बायोमार्कर्स हैं वो हमें डिफरेंट तरह के रिजल्ट्स। इन्फ्लेमेटरी मार्कर टेस्ट भी फिर हम इसके अंदर कुछ करते हैं, फॉर एग्जांपल जिसके अंदर हमारे पास ESR बहुत कॉमनली रिकमेंडेड टेस्ट होता है, ये इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हम इसको कहते हैं, ESR, मे बी आपने पहले कभी सुना होगा इसका नाम, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरिथ्रोसाइट हम किसको कहते हैं,
रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके अंदर हम ये मेजर करते हैं कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जब हम टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड सैंपल लेते हैं तो वो रेड ब्लड सेल्स बॉटम के ऊपर कितनी जल्दी या कितनी देर से सेटल डाउन होते हैं। नॉर्मली ये होता है कि रेड ब्लड सेल्स बहुत देर से स्लोली एंड ग्रेजुअली सेटल डाउन होते हैं। ठीक है, अगर रेड ब्लड सेल्स हम ये देखते हैं कि बहुत जल्दी से सेटल डाउन हो रहे हैं तो ये हमें इंडिकेट कर सकता है कि हमारी बॉडी में किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो लेकिन ये बात याद रखनी है कि इन्फ्लेमेशन हमें ये नहीं पता चलता कि किस वजह से इन्फ्लेमेशन है। सो दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि ये एक जनरलाइज्ड टेस्ट है, यानी से हमें ये तो पता चल जाता है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, ये नहीं पता चलता कि इन्फ्लेमेशन वो किस किस्म की है। उसके लिए फिर हम मोर स्पेसिफिक टेस्ट की तरफ जाएंगे। इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के अलावा जनाब हम करे होते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन एक प्रोटीन होता है हमारे ब्लड के अंदर, जो जब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है तो इस प्रोटीन की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज कर जाती है। सी रिएक्टिव प्रोटीन एक प्रोटीन होता है हमारे ब्लड में, तो जब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है तो हमारा सी रिएक्टिव प्रोटीन की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाती है। इसी तरह से फिर जो थर्ड इंफ्लेमेटरी बायोमार्कर है वो होता है हमारे पास प्लाज्मा विस्कोसिटी। प्लाज्मा विस्कोसिटी बेसिकली एक इनडायरेक्ट मेजर है टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ प्रोटीन व्हिच इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा पार्ट ऑफ द ब्लड। ठीक है, और अगेन इससे हमें यू नो डिग्री ऑफ इन्फ्लेमेशन पता चलती है कि बॉडी में किस हद तक इन्फ्लेमेशन प्लाज्मा विस्कोसिटी से। ओवरऑल चाहे वो प्लाज्मा विस्कोसिटी हो, सी रिएक्टिव प्रोटीन हो, या ESR यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हो, तीनों हमें बता रही होती हैं कि हमारी बॉडी में क्या इन्फ्लेमेशन है या नहीं। फिर इसी तरह से TSH रिसेप्टर एंड थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडीज टेस्ट भी हम करते हैं स्पेसिफिकली ग्रेव्स डिजीज की कंफर्मेशन के लिए। अगर हमारा TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज पॉजिटिव आता है तो फिर हमारा कंफर्म डायग्नोस होता है कि ग्रेव्स डिजीज है, क्योंकि मोर देन 95% ऑफ पेशेंट्स जो सफर करते हैं ग्रेव्स डिजीज से उनके अंदर ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, हमने कल जो केस स्टडी डिस्कस की थी उसके अंदर भी इफ यू रिकॉल तो जब उसके GP ने ऑर्डर किया था TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज टेस्ट तो वो जो हमारी पेशेंट थी समांथा उसका वो पॉजिटिव आया था और हमने कहा था कि ओके उसको थायरोटॉक्सिकोसिस या हाइपरथायरॉयडिज्म है और किस वजह से है, ग्रेव्स डिजीज की वजह से, क्योंकि ये वाला पर्टिकुलर टेस्ट उसका पॉजिटिव था। इसी तरह से हम थायरॉयड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडीज टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ये टेस्ट लेस सेंसिटिव और लेस स्पेसिफिक है क्योंकि ये तकरीबन 75% पेशेंट्स के अंदर होता है। जो TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज है वो मोर देन 95% पेशेंट्स के अंदर पॉजिटिव होता है। ये जो है थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडीज ये सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 75% पेशेंट्स के अंदर होता है। सो आई डू होप आपको याद है कि सेंसिटिव टेस्ट या स्पेसिफिक टेस्ट क्या होता है। हमने एपिडेमियोलॉजी में लास्ट सेमेस्टर में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था कि यानी सेंसिटिविटी होती है एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज हु हैव द डिजीज, और स्पेसिफिसिटी होती है एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज हु डू नॉट हैव दैट पर्टिकुलर डिजीज अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, तो यानी अगर आपसे कोई पूछे कि TSH रिसेप्टर एंड थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडीज दोनों में से कौन से वाला जो टेस्ट है वो ज्यादा सेंसिटिव या ज्यादा स्पेसिफिक है, तो आपका आंसर क्या होगा, TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज। उसकी रीजन क्या होगी, उसकी रीजन ये है कि इट इज प्रेजेंट, इट इज पॉजिटिव इन मोर देन 95% ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम ग्रेव्स डिजीज। फिर जनाब इसी तरह से हम रेडियो न्यूक्लियाइड अपटेक स्कैन भी करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर ये हम तब करते हैं नॉर्मली जब हमारा TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज नेगेटिव आता है। अगर तो पॉजिटिव आ जाता है तो ऑब्वियसली वहीं पे हमें कंफर्म्ड हो जाता है कि ग्रेव्स डिजीज है। अगर ये नेगेटिव आता है TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज, फिर हम फर्दर कंफर्मेशन के लिए रेडियो न्यूक्लियाइड अपटेक स्कैन करते हैं। ठीक है,
उससे हमें पता चल जाता है कि जी हमारा जो पर्टिकुलर एरिया है थायराइड ग्लैंड का, वहां पे कोई टॉक्सिक नोड्यूल है या कोई मल्टी नोड्यूलर गॉइटर है या फिर थायराइडाइटिस का बहुत ही डिक्रीज्ड किस्म का अपटेक हमें नजर आ रहा है, ठीक है, तो ये उससे हमें बेनिफिट होगा। अच्छा, थायराइड अल्ट्रासाउंड हम जो नॉर्मली यूज नहीं करते, उसकी रीजन ये है कि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं ग्रेव्स डिजीज के, उनके पास वो स्मॉल नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें अल्ट्रासाउंड में नजर आ रहे होते हैं, और उसकी वजह से हमें ये डिस्टिंक्शन करना बहुत मुश्किल होता है कि वो ग्रेव्स डिजीज है या टॉक्सिक नोड्यूलर गॉइटर है, दोनों में नहीं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नोड्यूल्स हमें ये समझ में नहीं आती कि ग्रेव्स डिजीज की वजह से वैसे ही नोड्यूल्स प्रेजेंट हैं या ये एक्चुअली नोड्यूल्स टॉक्सिक नोड्यूलर गॉइटर की वजह से, ठीक है। उसके अलावा ये भी है कि अगर हम अल्ट्रासाउंड के ऊपर नोड्यूल देखें तो फिर हमें ये नहीं पता चलता कि नोड्यूल क्या कॉज है, एक्सेस थायराइड हार्मोन सेक्रेशन की या फिर कोई लेजन की वजह से नोड्यूल बना हुआ, यानी नोड्यूल बनने की भी डिफरेंट रीजन होती है ना बॉडी में, तो वो रीजन हमें रीजन कॉज एग्जैक्टली नहीं पता चलती कि क्या वो एक सिंपल लेजन की वजह से वो नोड्यूल बन गया है बस, या फिर जनाब वो नोड्यूल बना है थायराइड हार्मोन बहुत एक्सेस में सिक्रीट हो रहा था उसकी वजह से, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम। अच्छा जी, अब मैनेजमेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। व्हेन इट कम्स टू ग्रेव्स डिजीज, तो ग्रेव्स डिजीज की जो मैनेजमेंट है उसके अंदर तीन ऑप्शन है मेनली हमारे पास। एक, हम एंटी थायराइड ड्रग थेरेपी कर सकते हैं, मेडिकेशंस के साथ हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा, हम रेडियो आयोडीन के साथ उसको ट्रीट कर सकते हैं, यानी अभी हम उसकी डिटेल देखते हैं क्या होता है कैसे। तो तीसरा यह है थायरॉयडेक्टमी, यानी हमने थायरॉयड ग्लैंड का डिपेंडिंग ऑन सिवेरिटी ऑफ डिजीज या तो पूरे का पूरा ग्लैंड ही हम रिमूव कर देते हैं या फिर पार्ट ऑफ द ग्लैंड रिमूव करके भी समटाइम्स हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है। अच्छा जी, फिर व्हेन इट कम्स टू टॉक्सिक नोड्यूलर गॉइटर, तो चाहे वो टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गॉइटर हो या टॉक्सिक नोड्यूल्स हो, दोनों के अंदर हम अगेन सर्जरी, ड्रग्स, रेडियो आयोडीन, हम तीनों हमारे पास ऑप्शन होती हैं, उनके अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। थायराइडाइटिस की जब बात आती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो उसके अंदर ये होता है कि वो नॉर्मली थायराइडाइटिस खुद से रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, और इस केस के अंदर हम एंटी थायराइड ड्रग्स को यूज नहीं करते, उसकी जरूरत नहीं होती। बीटा ब्लॉकर जो ड्रग्स हैं उसको हम यूज करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स वो वाली ड्रग्स होती हैं जो हम नॉर्मली, कल जैसे हमने पढ़ा था ना कि एबनॉर्मल हार्ट रेट होता है ऐसे पेशेंट्स में, थायराइड के पेशेंट्स में, तो बीटा ब्लॉकर्स वो वाले ड्रग्स होते हैं जो हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, अगर बहुत ज्यादा एबनॉर्मल हार्ट रिदम, तो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं हाइपरटेंशन के, उनको भी बीटा ब्लॉकर्स हम नॉर्मली दे रहे होते हैं, ठीक है। फिर जनाब ड्रग इंड्यूस्ड हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी ऐसा हाइपरथायरॉयडिज्म जो कुछ ड्रग्स के ओवर यूज करने की वजह से हो रहा हो, जैसे कल हमने डिस्कस किया था समटाइम्स आयोडीन का ही हम ज्यादा इंटेक कर लेते हैं, उसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। तो ऑब्वियसली इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि किस किस्म की ड्रग की वजह से हमारा जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है, और अकॉर्डिंगली ही फिर हम उसका जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल टाइप 2 एमिओडोरोन, अगर इन ड्रग्स की वजह से हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो उसके लिए फिर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स यूज करते हैं, यानी स्टेरॉइड्स के थ्रू हम उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो एक्चुअली डिपेंड करता है कि किस ड्रग के ओवर यूज की वजह से हमारा वो हाइपरथायरॉयडिज्म या थायरोटॉक्सिसिटी हो रहा है।
gestational hyperthyroidism जब होता है तो वो normally second trimester के अंदर resolve काफी हद तक हो जाता है और ज्यादातर केसेस के अंदर gestational hyperthyroidism में हमें pharmacological treatment drug treatment नहीं चाहिए. Stroma over eye, इसके अंदर हम जो ovaries का पर्टिकुलरली इफेक्टेड पार्ट होता है, कल हमने डिस्कस किया था टर्म डिटेल से, सो इसके अंदर जो ओवरीज का इफेक्टेड पार्ट होता है उसको हमें रिमूव करना होता है, सर्जिकल रिमूवल करना होता है. ठीक है, समटाइम्स ये होता है कि कुछ पेशेंट्स को रेडियो एक्टिव आयोडीन भी चाहिए होता है सो दैट वो जो थायरोटॉक्सिकोसिस है वो उसका प्रॉब्लम उनको ना. एब्लेशन की यहाँ पे टर्म यूज की हुई है. एब्लेशन का मतलब ये होता है जनाब, इट्स अ ट्रीटमेंट बेसिकली जो हम यूज करते हैं टू मैनेज एबनॉर्मल हार्ट प्रॉब्लम्स. ठीक है, एब्लेशन इज अ ट्रीटमेंट व्हिच इज यूज्ड टू कंट्रोल एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स. ठीक है, हीटिंग के थ्रू भी हम इसमें करते हैं, फ्रीजिंग के थ्रू भी करते हैं, यानी उस पर्टिकुलर हार्ट के एरिया पे जहाँ पे नॉर्मल रिदम्स हैं वहाँ पे या तो हम हीटिंग यूज करते हैं या हम फ्रीजिंग यूज करते हैं. ठीक है, उसके थ्रू हम कंट्रोल करते हैं. फिर जनाब लास्टली थायराइड सेक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, इस केस के अंदर हम करते हैं ट्रांस स्फीनॉइडल रिजेक्शन ऑफ एडिनोमा, यानी हमारा जो एडिनोमा होता है उसको ऑब्वियसली इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बताऊं तो उसको हमने रिमूव करना. ठीक है, स्फीनॉइड बोन आपको पता है कि क्रेनियम के अंदर जो दैट इज राइट इन द मिडल ऑफ द स्कल या फ्रंट पार्ट पे स्कल के मिडल में वहां पे वो बोन. ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स कि अगर पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से थायरोटॉक्सिकोसिस है तो वहां पे हमें रिसेक्शन ही करनी पड़ती, रिमूवल ही उसका करना. ठीक है, इसी तरह से सर्जरी से पहले सोमैटोस्टेटिन एनालॉग्स यानी सोमैटोस्टेटिन जो ड्रग्स हैं उनको भी हम यूज करते हैं टू कंट्रोल द सिम्टम्स. ये हमें नॉर्मली सर्जरी करने से पहले चाहिए होती है इन ड्रग्स की जो इफेक्ट है. ठीक है, सोमैटोस्टेटिन जैसे आपको पता है ग्रोथ हार्मोन होता है नॉर्मली, तो ये वही वाले ड्रग्स होते हैं. बेसिकली इट्स अ पेप्टाइड हार्मोन जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट कर रहा. अच्छा जी, देन वी हैव ओके मेडिकेशंस. ये आपको कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन सी मेडिकेशंस किस किस चीज में हमें चाहिए होती हैं. हमने जनरली जो था वो सारा डिस्कस कर लिया. ठीक है, रेडियो आयोडीन ट्रीटमेंट, यस दिस इज इम्पोर्टेंट. ये आपको पता होना चाहिए पेज नंबर 201. रेडियो आयोडीन इज जनरली यूज्ड एज अ सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, यानी अगर पेशेंट फार्माकोलॉजिकल थेरेपी को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या फिर समटाइम्स ये भी होता है कि फार्माकोलॉजिकल थेरेपी जब हम पेशेंट्स की करते हैं तो उनमें बहुत सारे उसके एडवर्स साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं, तो उस केस के अंदर फिर हम रेडियो आयोडीन को यूज करते हैं. और दूसरा जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर तो टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गॉइटर हो या टॉक्सिक नोड्यूल्स हो तो फिर उस केस में भी हमारे पास रेडियो आयोडीन जो है वो चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है हमारे पास. रेडियो आयोडीन को नॉर्मली हम ओरल फॉर्म में देते हैं, कैप्सूल में या लिक्विड की फॉर्म में भी आते हैं. ठीक है,
प्रेगनेंसी के अंदर या ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर, लैक्टेटिंग मदर्स के अंदर इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करते क्योंकि इसके अपने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और पेशेंट्स को फिर स्पेसिफिकली प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं। जो पेशेंट्स भी रेडियो एक्टिव आयोडीन ले रहे होते हैं उनको स्पेसिफिकली क्वारंटाइन भी किया जाता है कुछ अरसे के लिए, फिजिकल कॉन्टेक्ट उनका बाकी लोगों से खत्म किया जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर वुमेन हो रिप्रोडक्टिव एज की, उसको रेडियो आयोडीन देने से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट लाजमी में परफॉर्म किया जाता है क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स न्यू बॉर्न के ऊपर आ सकते हैं। इसी तरह से अगर एक फीमेल ने रेडियो आयोडीन थेरेपी ली है तो उसके बाद 6 मंथ्स तक, कम से कम 6 मंथ्स तक उसको अवॉइड करने को कहते हैं प्रेगनेंसी, क्योंकि उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो 6 मंथ्स तक भी आ सकते हैं। जो सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट कॉमन होता है रेडियो आयोडीन ट्रीटमेंट के अंदर वो हाइपरथायरॉयडिज्म ही है और उस केस में फिर हम ये करते हैं कि हम थायराइड फंक्शन टेस्ट्स को रेगुलरली जो है वो मॉनिटर करते रहते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से रेडियो आयोडीन थायराइड आई डिजीज को भी हम आगे पढ़ेंगे भी डिटेल से, उसको भी बहुत ज्यादा वर्स कर सकता है, खासतौर पर उन पेशेंट्स के अंदर जो स्मोकिंग ज्यादा करते हैं। तो ये जो है इसके काफी सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। देन सर्जरी, टोटल थायरॉयडेक्टोमी इज एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर ग्रेव्स डिजीज की कंप्लीट रिमूवल ऑफ थायरॉयड ग्लैंड जहां पे हम करते हैं ग्रेव्स डिजीज के केस में। और पहले जो था इनिशियली हम ये करते थे सब टोटल थायरॉयडेक्टोमी, यानी सब टोटल का मतलब है कि हम ओनली दैट पार्ट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड उसको रिमूव करते थे सर्जिकली जो अफेक्टेड पार्ट होता था। अब लेटली हम ये कर रहे हैं कि हम पूरे का पूरा थायराइड ग्लैंड रिमूव करें। उसकी रीजन ये है कि जब हम पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड अफेक्टेड पार्ट उसका रिमूव करते थे तो उसमें हमने ये देखा कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर जो हमारा थायरोटॉक्सिकोसिस था वो रिकरेंट हो गया, यानी वो दोबारा से वापस आ गया। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे हमें वो सर्जरी करने का कोई खास फायदा नहीं। ठीक है, तो टोटल थायरोडेक्टोमी किन केसेस में हम करते हैं, ऐसे पेशेंट्स में जिनको फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से बहुत ज्यादा एडवर्स साइड इफेक्ट्स हुए हों, ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो अच्छे से फार्माकोलॉजिकल थेरेपी को रिस्पॉन्ड ना कर रहे हों, ऐसे पेशेंट्स जिनका गॉइटर बहुत ज्यादा बड़ा हो और उनको बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्टिव किस्म के सिम्टम्स आ रहे हों, समटाइम्स इवन फूड स्वेलो करने में भी प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक है, या फिर कॉस्मेटिकली भी प्रॉब्लम आती है, यानी कॉस्मेटिकली प्रॉब्लम का मतलब है कि विजुअली वो गॉइटर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो विजुअली देखने में भी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल अनप्लेजेंट लग रहा है। फिर इसी तरह से ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर एक्टिव थायराइड आई डिजीज है और जाहिर है उनके अंदर हम रेडियो आयोडीन, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि रेडियो आयोडीन थायराइड आई डिजीज को बहुत ज्यादा वर्स कर सकता है, तो फिर उनके अंदर भी हम टोटल सर्जरी से पहले हमें ये देखना होता है कि पेशेंट का जो थायराइड लेवल्स हैं वो रिलेटिवली नॉर्मल हों, और उसके लिए हम बेसिकली उसको नॉर्मलाइज हम कैसे कर रहे होते हैं, हम या तो एंटी थायराइड ड्रग्स दे रहे होते हैं या फिर पोटेशियम आयोडाइड दे रहे होते हैं ल्यूगोल आयोडीन की शक्ल की फॉर्म के अंदर। ठीक है, ल्यूगोल आयोडीन बेसिकली इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड विद आयोडीन इन वाटर, पोटेशियम आयोडाइड KI, पोटेशियम आयोडाइड आयोडाइड विद आयोडीन इन वाटर। ठीक है, ये बेसिकली इट्स अ मेडिकेशन जो हम बहुत सारे पर्पजेस के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे जो इसके यूज करने का ऑब्जेक्टिव वो ये है कि जो ड्यूरिंग द सर्जरी है एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट हम कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और कॉमन सेंस की चीज ये है कि जब हम सर्जरी करके थायराइड ग्लैंड को कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं तो ऑब्वियस उसका जो साइड इफेक्ट आ सकता है वो ये है कि भाई पेशेंट्स में परमानेंट हाइपो पैराथायरॉयडिज्म आ जाएगा। ठीक है, कि ऑब्वियसली हमारा
थायराइड ग्लैंड तो रिमूव हो गया बिल्कुल हमारी बॉडी से. तो अब थायराइड ग्लैंड जब नहीं है तो हमारा जो हार्मोन है वो कैसे प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म ऑब्वियसली इट्स अ कंडीशन जहाँ पे हमारे बहुत एबनॉर्मली लो लेवल्स ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो सिक्रीट होते हैं. और पीटीएच आपको पता है वो वाला हार्मोन है जो स्पेसिफिकली कैल्शियम और फास्फोरस की लेवल्स को मेंटेन कर रहा होता है हमारी बॉडी में. पीटीएच इज अ हार्मोन व्हिच रेगुलेट्स द बैलेंस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन आवर बॉडी. ठीक है, दूसरा एक और साइड इफेक्ट समटाइम्स आता है जिसके अंदर हमारा वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो जाता है लैरिंजियल नर्व के डैमेज होने की वजह से. लैरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स, आपको पता है आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो क्योंकि वो नर्व यहीं से गुजर रही है सो ड्यूरिंग सर्जरी समटाइम्स ये होता है कि वो नर्व डैमेज हो जाती है और हमारा जो है वो वोकल कॉर्ड पैरालाइज भी हो सकता है. थर्डली ये है कि ऐसे पेशेंट्स जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड, उनको फिर ऑब्वियसली क्या चाहिए, उनको लॉन्ग टर्म लिवोथायरॉक्सिन चाहिए. लिवोथायरॉक्सिन वो ड्रग होता है, अभी हम हाइपोथायरॉयड जब पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे. लिवोथायरॉक्सिन हमारा वो वाला ड्रग होता है जो जिसको हम एज ए सब्सटीट्यूट लेते हैं ऐसे लोगों में जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है. सो हम उनको एक्सटर्नल सोर्स से, जैसे इंसुलिन बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती तो हम एक्सटर्नली इंसुलिन देते हैं डायबिटीज के केस में, तो इसी तरह ऐसे लोग जिनका थायराइड ग्लैंड इनफ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर सकता उनको हम फिर आउटसाइड सोर्स से थायरॉक्सिन देते हैं जिसको हम लिवोथायरॉक्सिन. लास्टली ये कि जनाब ग्रेव्स डिजीज के जो पेशेंट्स हैं उनको वी मस्ट यू नो आस्क देम टू स्टॉप स्मोकिंग, क्योंकि रिसर्च ने प्रूव किया है कि स्मोकिंग करने से थायराइड आई डिजीज 6 times चांस उसका ज्यादा बढ़ जाता है थायराइड आई डिजीज होने का. दूसरा ये कि स्मोकिंग जो है वो एंटी थायराइड ड्रग्स की ट्रीटमेंट के अंदर हिंड्रेंस क्रिएट करती है. और तीसरी चीज ये है कि वंस रेडियो आयोडीन ट्रीटमेंट जो लोग लेते हैं और वो स्मोकिंग करते रहते हैं उनके अंदर थायराइड आई डिजीज होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. अच्छा जनाब, देन वी हैव प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज. प्रोग्नोसिस हम कहते हैं किसी भी मेडिकल कंडीशन का जो कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ प्रोग्रेशन होता है. ठीक है, कि डिजीज किस तरह से ये बेटरमेंट की तरफ जा रही है या वर्स सिचुएशन की तरफ आ रही है. जब हम पुअर प्रोग्नोसिस कहते हैं किसी डिजीज का तो इसका मतलब होता है कि यानी पेशेंट के पास देयर इज अ वेरी लिटिल चांस फॉर रिकवरी. जब हम गुड प्रोग्नोसिस कहते हैं तो इसका मतलब है कि पेशेंट के पास रिकवर होने का चांस बड़ा अच्छा है. व्हेन इट कम्स टू हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड मॉर्टेलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ सीवीडीज. पुअरली ट्रीटेड हाइपरथायरॉयडिज्म इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कार्डियक एरिथमियास एंड ऑस्टियोपोरोसिस. ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम्स है जब अगर हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म सही से ट्रीट नहीं होता तो हार्ट रेट हमारा नॉर्मल होने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं. ऑस्टियोपोरोसिस के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं बिकॉज जाहिर है पीटीएच हार्मोन लिंक्ड है कैल्शियम और फास्फोरस के यू नो बैलेंस मेंटेन करने से. जब वो मेंटेन नहीं होगा तो ऑब्वियसली कैल्शियम लेवल्स ब्लड में मेंटेन नहीं होंगे, बॉडी में मेंटेन नहीं होंगे और ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज होंगे. ठीक है, सो जनाब दिस इज ऑल अबाउट hyperthyroidism. अच्छा, एक ही टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 201 के टॉप के ऊपर, इसको हम थोड़ा सा बहुत डिटेल में तो नहीं थोड़ा सा देख लेते हैं. एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स, यानी जब हम एंटी थायराइड ड्रग्स को लेते हैं तो क्या क्या इश्यूज हमारे पास साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं. उसके अंदर स्किन रैश एंड इचनेस है, नोजिया वॉमिटिंग है, जॉइंट पेन है,
एप्लास्टिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, ये आ सकता है हमारे पास। अच्छा, ये टर्म्स में कुछ इस तरह बता दूं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज अ कंडीशन जिसके अंदर देयर आर एबनॉर्मली लो लेवल्स ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स भी होता है, उसी से नाम है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब है कि ऐसी कंडीशन जिसमें प्लेटलेट्स एबनॉर्मली लो होते हैं। फिर जनाब एक और टर्म थी यहाँ पे, एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया बेसिकली इट्स अ कंडीशन जिसके अंदर हमारी बॉडी फेल्स टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स इन सफिशिएंट नंबर्स, ठीक है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारी रेड ब्लड सेल्स हों, वाइट ब्लड सेल्स हों, प्लेटलेट्स हों, वो सफिशिएंट नंबर्स में प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते। फिर जनाब ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। ए ग्रेनुलोसाइटोसिस इज एन एक्यूट कंडीशन जिसके अंदर हमारा बहुत ज्यादा ल्यूकोपीनिया सीवियर होता है। ल्यूकोपीनिया होता है ऐसी कंडीशन जिसमें वाइट ब्लड सेल्स बहुत ही कम प्रोड्यूस होते हैं, और आपको पता है वाइट ब्लड सेल्स हमारी मेनली इम्यूनिटी को देख रहे होते हैं, तो अच्छी खासी सीरियस किस्म की कंडीशन होती है, क्योंकि हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो नहीं प्रोड्यूस हो रहे। फिर इसी तरह से कोलस्टेटिक लिवर डिजीज होती है, कोलस्टेटिक कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस भी होती हैं, यानी जो बाय बर्थ इश्यूज हो सकते हैं। कोलस्टेटिक लिवर डिजीज के अंदर हमारा जो फ्लो ऑफ बाइल है लिवर से, वो या तो बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है या फिर एब्सोल्युटली ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कोलस्टेटिक लिवर डिजीज। इसी तरह से स्किन रैश एंड इचनेस हो सकती है, फुलमिनेंट हिपैटिक फेलियर हो सकता है हमारे पास, हिपैटिक फेलियर यानी लिवर फेलियर। फुलमिनेंट का बेसिकली मतलब ये है कि एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हमारा लिवर फंक्शंस एब्सोल्युटली इम्पेयर कर जाते हैं, यानी लिवर सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं कंप्लीटली, ठीक है। फिर जनाब देन वी हैव एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी पॉजिटिव वास्कुलाइटिस। वास्कुलाइटिस वैसे जनरल टर्म हम यूज करते हैं फॉर इंफ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। सो ANCA वास्कुलाइटिस यानी एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी पॉजिटिव वास्कुलाइटिस, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसके अंदर हमारी स्मॉल ब्लड वेसल्स जो है वो बॉडी में वो इफेक्ट होती है, ठीक है। सो ANCA बेसिकली ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं जो हमारी ही बॉडी के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं, और न्यूट्रोफिल्स विच आर द टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स उनको अटैक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, बेसिकली काफी सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो हम डिफरेंट एंटीथायरॉयड ड्रग्स जब यूज करते हैं तो उनकी वजह से ये हो सकता है, ठीक है जी। सो दैट्स इट फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट इंशाल्लाह अभी लेक्चर में थायराइड आई डिजीज को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटे। ओके, 5 मिनट का ब्रेक करते हैं और फिर दोबारा। अल्लाह हाफिज़।